जंगल में बहुत सारे परिंदे रहते थे जो अपनी खुशी खुशी लाइफ गुजार रहे थे। एक दिन अचानक तूफानी बारिश आई और तमाम परिंदों के घर टूट कर गिरने लगे। हर तरफ तबाही और बर्बादी का दर्दनाक मंजर दिखाई दे रहा था। ग्रह तबाह हो गए थे। असल बात ये थी कि इस जंगल के परिंदे बेहद काहिल और सुस्त थे। मेहनत से जी चुराते थे। उन्होंने तूफानी बारिश से बचने के लिए पहले से कोई हफाजती इकदाम ना कर रखे थे। नतीजा ये निकला कि बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हो गया। कई रोज़ बाद जब बारिशों का जोर टूटा तो तमाम परिंदे एक जगह परेशान बैठे थे कि अचानक उन्हें एक परी आती दिखाई दी। तमाम परिंदे बहुत खुश हुए। एक ने उठकर पूछा, कौन हो तुम? परी ने जवाब दिया, मैं आपकी मदद करने आई हूँ और मुझे मेहनत की परी कहते हैं। एक परिंदे ने हैरान होकर पूछा, मेहनत की परी? और मेहनत की परी ने जवाब दिया, जी हाँ। कैसे मदद करेंगी आप हमारी परी जी? मैं तमाम परिंदों को ये बताने आई हूँ कि आपकी सुस्ती और गफलत की वजह से आपके घर बर्बाद हुए हैं और आपका जानी और माली नुकसान भी हुआ है। अगर आप बारिशों से पहले हफाजती इंतजाम कर लेते तो आपको इतना नुकसान ना उठाना पड़ता। ये कहकर परी ने सबसे वादा लिया और रुखसत होते वक्त परिंदों से कहा, ये नसीहतें और मशवरे ही आपके लिए मेरा तोहफा है। फिर परी चली जाती है और परिंदे दिन रात मेहनत करके घर बनाने लग जाते हैं। प्यारे बच्चों, देखा उनकी ज़रा सी काहली और सुस्ती की वजह से उनको इतना नुकसान उठाना पड़ा। आप भी तमाम काम मेहनत और लगन से किया करें। नैना और उसकी छोटी बहन टीना एक दरख्त के नीचे झूला झूल रही थी। टीना ने दरख्त के कुछ पत्ते तोड़े तो किसी के कराहने की आवाज़ आई। इधर उधर देखा, कोई नहीं था। टीना ने दोबारा पत्ते तोड़े, फिर वही आवाज़ आई, कौन है जो ऐसे कराह रहा है? मैं दरख्त हूँ। वो दोनों बहुत हैरान हो गईं कि दरख्त भी बोल सकता है। दरख्त जी, तुम क्यों कराह रहे हो? जब कोई मेरे पत्ते तोड़ता है तो मुझे तकलीफ होती है। माफ करना दरख्त, हमने तुम्हें तकलीफ दी जबकि तुम्हारे बहुत से फायदे हैं। हाँ बच्चों, मेरे साये में बैठकर लोग सुकून महसूस करते हैं। मैं कुदरती ठंडक फराहम करता हूँ। इसके अलावा मैं हवा को साफ रखता हूँ। दरख्त, आजकल माहौल में आलूदगी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान हमें काट कर तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं। रहाइश, लकड़ी और दूसरी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमें काट दिया जाता है। गलियां चौड़ी करने, नई बस्तियां बसाने के लिए हमें काट दिया जाता है। हम ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं। हमें ख़त्म करने की वजह से दुनिया में गर्मी भी बढ़ रही है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। गर्मी की शिद्दत से जंगलात में आग लग जाती है। क्या आप इंसानों को कोई पैगाम देना चाहते हैं? हाँ बच्चों, इंसानों को कहें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। अगर किसी वजह से दरख्त काटना पड़े तो इसकी जगह नया दरख्त लगाएं। दरख्तों के पत्ते ना तोड़ें, दरख्तों को पानी दें और उनका ख्याल रखें। अच्छा दरख्त, अब हम घर चलते हैं, मामा इंतज़ार कर रही होंगी, फिर मिलेंगे। ये कहकर नैना और टीना अपने घर की तरफ जाने लगती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।